खबरों में बने रहने के लिए बेल आइकॉन दबाइए और एबीपी न्यूज को सब्सक्राइब कीजिए। नमस्कार, आप देख रहे हैं एबीपी न्यूज। आपके साथ हूं मैं, रोबिका लियाकत। इस वक्त हम उज्जैन में मौजूद हैं। ये रामघाट है, शिप्रा नदी का किनारा। आज ईद है। आप सबको मास्टर स्ट्रोक की टीम की तरफ से, एबीपी न्यूज की तरफ से ईद की बहुत बहुत शुभकामनाएं, दिली मुबारकबाद। आज जब पूरा देश इस मीठी ईद को मना रहा है, एक दूसरे को गले लगा रहा है, अमन के इस त्यौहार में बढ़ चढ़ कर हिस्सा ले रहा है, उस दिन यानी ईद के दिन मुझे मास्टर स्ट्रोक में सबसे पहले खबर आपको उस कश्मीर की बतानी पड़ रही है, जहां पर ईद के दिन पत्थरबाजी होती है, ईद के दिन हत्या को अंजाम दिया जाता है, ईद के दिन भारत को तोड़ने की साजिश रची जाती है, ईद ही के दिन पोस्टर्स और बैनर लहराए जाते हैं आईएसआई, जाकिर मूसा और मसूद अजहर के। अब मुझे ये बताइए, ईद के दिन जिन नौजवानों के हाथों में पत्थर हैं, क्या वो खुद को मुसलमान कह सकते हैं? ईद ही के दिन हिंदुस्तान के को तोड़ने की, चोट पहुंचाने की साजिश करने वाले क्या वाकई इस्लाम को मान सकते हैं? मास्टर स्ट्रोक की कवर स्टोरी आज कश्मीर से। आज का दिन दुआओं के लिए हाथ उठाने का है, पर यहाँ ये हाथ पत्थर फेंकने के लिए उठ रहे हैं। कश्मीर के श्रीनगर के ये वो भटके हुए युवा हैं, जिनमें अपना चेहरा दिखाने की भी हिम्मत नहीं। कोई हेलमेट पहन कर पत्थर फेंक रहा है, कोई अपने चेहरे को कपड़े से ढक कर पत्थरबाजी कर रहा है, तो कोई टीन शेड के पीछे खुद को छिपा कर पथराव कर रहा है। श्रीनगर के नौहट्टा की ये तस्वीर बताती है कि धर्म की आड़ में जिहाद की बात करने वालों का दरअसल कोई मजहब है ही नहीं। इन्हें न धर्म से मतलब है, न अमन से, न भाईचारे से, वरना कैसे कोई ईद की पाक नमाज के बाद ऐसी हिंसा पर उतर सकता है? इन पत्थरबाजों के निशाने पर हैं देश की सुरक्षा के लिए मर मिटने वाले जवान। पत्थरों के अलावा इनके हाथ में तरह तरह के बैनर हैं, आतंकियों के पोस्टर हैं, आईएसआईएस के झंडे हैं, और इन सबसे साफ है कि पत्थरबाजों की इस भीड़ को कौन तैयार कर रहा है। इन्हें ये सब करने की हिम्मत कहां से मिल रही है? ऐसी ही तस्वीरें उत्तर कश्मीर के सोपोर से भी देखने को मिली। ईद की नमाज के बाद अचानक से इन लोगों की भीड़ सड़कों पर उतर आई और सुरक्षा बलों पर पथराव करने लगे। पत्थरबाजों को काबू में करने के लिए सुरक्षा बलों को आंसू गैस के गोले छोड़ने पड़े। दरअसल जब से सुरक्षा बलों ने पूरे कश्मीर में आतंकियों के सफाए का अभियान चलाया हुआ है, तब से इस तरह के पत्थरबाजों की भीड़ ज्यादा सक्रिय हो जाती है। ये लोग दरअसल आतंकवादियों की मदद के लिए सुरक्षा बलों को निशाना बनाते हैं। इस साल जनवरी से मार्च के बीच कश्मीर में पत्थरबाजी की 53 घटनाएं हुई। पिछले साल यानी 2018 में 758 घटनाएं हुई। इन पत्थरबाजों के हौसले इसलिए और बढ़े क्योंकि मुख्यमंत्री रहते महबूबा मुफ्ती ने 9730 पत्थरबाजों के खिलाफ दर्ज मामले वापस ले लिए, पर पत्थरबाजों पर इसका कोई असर नहीं पड़ा। हालांकि ये पत्थरबाज कश्मीर का सिर्फ एक चेहरा है। इसी कश्मीर में रऊफ अहमद डार जैसे युवा भी हैं, जो बाहर से आने वाले पर्यटकों को बचाने के लिए अपनी जान की भी परवाह नहीं करते।
चार दिन पहले जम्मू कश्मीर के पहलगाम में एक नाव पलट गई थी। उसमें सवार सभी 7 पर्यटक डूब गए। तब नाव में सवार गाइड रऊ नदी में कूद पड़ा। उसने पर्यटकों को तो बचा दिया, लेकिन वो खुद डूब गए। आज जब जम्मू कश्मीर में ये नारेबाजी हो रही थी, पत्थरबाजी हो रही थी, इस बीच उन तस्वीरों में एक तस्वीर हमारी नजर में आई जिसमें पोस्टर और बैनर लिए कुछ नौजवान खड़े हुए दिखाई दे रहे थे। उन पोस्टर्स में यूएन से प्रतिबंधित आतंकवादी मसूद अजहर की तस्वीर थी और साथ में जाकिर मूसा था। जाकिर मूसा के नारे तो आपने पिछली रिपोर्ट में देख लिए, लेकिन उसी पोस्टर में मूसा आर्मी भी लिखा हुआ था और उस पोस्टर को लेकर खड़े थे मूसा आर्मी के वो तमाम सदस्य। ईद के दिन आतंकी जाकिर मूसा के नारे लगा रहे इन लोगों को देखकर गुस्सा भी आता है और शर्म भी। आखिर वो कौन सी सोच है जो इन नौजवानों को एक आतंकी को हीरो बताने की तरफ धकेलती है। इनके हाथों में टंगे हुए इस पोस्टर को देखिए जिस पर लिखा है मूसा आर्मी। मतलब ये सब खुद को उस आतंकी की सेना मानते हैं जिसे पिछले ही महीने सुरक्षा बलों ने मौत की नींद सुला दी। सिर्फ मूसा ही नहीं, इनके पोस्टरों में जैश ए मोहम्मद के सरगना मसूद अजहर की तस्वीर भी है। उन तमाम आतंकी कमांडरों की तस्वीर है जो मारे जा चुके हैं। एक ऐसा पोस्टर भी है जिसमें कश्मीर को लेकर बेहद आपत्तिजनक बात लिखी है। इतना ही नहीं, भारत की जमीन पर ये लोग खुलेआम पाकिस्तान का झंडा लहरा रहे हैं। इसके बाद भी अगर आपके मन में इन लोगों को लेकर कोई संदेह रह जाता है तो इस पोस्टर को देखिए जिसमें अंग्रेजी में लिखा है ये सब जाकिर मूसा के समर्थक है। जाकिर मूसा के नाम से मशहूर इस आतंकी का असली नाम जाकिर रशीद भट्ट है। बुरहान वानी की मौत के बाद मूसा को कश्मीर का नया पोस्टर बॉय बनाने की कोशिश शुरू हुई। मूसा ने 2013 में चंडीगढ़ के एक इंजीनियरिंग कॉलेज में पढ़ाई बीच में छोड़ दी थी। इसके बाद वो घाटी में A++ श्रेणी का आतंकी बन गया। उस पर 10 लाख रुपए का इनाम था। 2017 में मूसा को अलकायदा जिहादी गुट अंसार गजवातुल हिंद की कमान सौंपी गई। मूसा घाटी में आतंक का पर्याय बन गया। वो लोगों के सामने आता था तो हर हाथ उसे छूना चाहता था। पिछले महीने की 23 तारीख को जब सेना ने उसे मार गिराया तो उसके जनाजे में भी हजारों की भीड़ शामिल हुई। सब उसके नाम के नारे लगा रहे थे। सवाल है कि घाटी में मूसा जैसे आतंकी के लिए ऐसी दीवानगी क्यों है? आखिर कौन है जो इन लोगों को भड़काता है? ये जानने के लिए सुनिए श्रीनगर की जामिया मस्जिद में ईद की नमाज के बाद अलगाववादी नेता मीरवाइज उमर फारूक का यह भाषण। मारे गए आतंकियों को शहीद का दर्जा देने वाले मीरवाइज उमर फारूक उन अलगाववादी नेताओं में से हैं जो भारत में रहकर पाकिस्तान की जुबान बोलते हैं और कश्मीर के लोगों को लगातार भड़काने का काम करते हैं। इनके जैसे लोगों के कारण ही कश्मीर में हर दिन नए आतंकवादी पैदा होते हैं, लेकिन अब इन आतंकियों का काउंटडाउन शुरू हो गया है क्योंकि सेना ने ऐसे 9 आतंकियों की पहचान कर ली है जिन्हें अगले 25 दिनों में मार गिराया जाएगा। कश्मीर में जो नौजवान इन आतंकवादियों के बहकावे में आकर पत्थर फेंकते हैं उनको
और उनके परिवार वालों को आज एबीपी न्यूज की रिपोर्ट मास्टर स्ट्रोक की यह खबर बहुत गौर से सुननी चाहिए और रट लेनी चाहिए, अपने दिल से लगा लेनी चाहिए। इस रिपोर्ट के जरिए हम ये बताने की कोशिश करते हैं और करेंगे कि ये आतंकवादी किसी के सगे नहीं है। ये आतंकवादी सिर्फ और सिर्फ आपको इस्तेमाल करना जानते हैं। धर्म के नाम पर कैसे लोगों का बंटवारा किया जाए, कैसे खून खराबा किया जाए, इनका सिर्फ एक ही मकसद है। और इसीलिए आपको देखना चाहिए कि कैसे एक महिला के घर में घुसकर उसकी इन आतंकवादियों ने हत्या कर दी। ईद के पाक मौके पर जिस आंगन में खुशियों की गूंज होनी चाहिए थी, वहां चीख पुकार मची। मातम पसरा है। हर ओर हाहाकार, रोते बिलखते लोग हैं और हर चेहरा गमगीन है। पुलवामा के इस घर की खुशियां आतंकियों ने छीनी। ईद के दिन ईदी बांटी जाती है, लेकिन नगीना बानो के इस घर को आज आतंकियों ने मौत बांटने के लिए चुना। पुलिस के मुताबिक काकापोरा इलाके के इस घर में कुछ आतंकी अचानक घुसाए और अंधाधुंध फायरिंग करने लगे। इस फायरिंग में नगीना बानो को कई गोलियां लगी और उनकी मौके पर ही मौत हो गई। 2 साल पहले आतंकवादियों ने नगीना बानो के पति को भी मौत के घाट उतार दिया था और अब इस वारदात को अंजाम दिया। आतंकियों की कायराना हरकत में जलालुद्दीन नाम का एक शख्स बुरी तरह से घायल भी हुआ है, जिसे श्रीनगर रेफर किया गया है। लड़की की डेथ हो गई ऑन स्पॉट, उसके चेस्ट में फायर था और जो लड़का था वो इंजर्ड था, उनको हमने रेफर किया यहां से एसएमएचएस के लिए। पुलवामा में दिन दहाड़े हुई ये वारदात उन कश्मीरियों के गाल पर तमाचा है जो हाथों में पत्थर लेकर आतंकियों को बचाने सड़क पर उतर जाते हैं। नगीना बानो की मौत उन कश्मीरियों के गाल पर तमाचा है जो आतंक का झंडा लिए घूमते हैं। हम ऐसा इसलिए कह रहे हैं क्योंकि आंकड़ों पर नजर डालें तो आतंकियों के हाथ बेगुनाह कश्मीरियों के खून से ही रंगे नजर आते हैं। १९९० से अब तक कश्मीर में आतंकी घटनाओं में 14,791 कश्मीरी नागरिक मारे गए हैं। 2014 में कश्मीर में 32 नागरिक मारे गए, 2015 में 20, 2016 में 14 और 2017 में 57 आम लोग आतंकवादियों की गोली का शिकार हुए। 2018 में आंकड़ा बढ़कर 86 पहुंच गया और इस साल भी आतंकी अब तक 18 कश्मीरियों को मार चुके हैं। इस माफी की घटना हर साल होती रही है तमाम कोशिशों के बावजूद भी, और इस साल ये घटनाएं ज्यादा होंगी क्योंकि सेंट्रल गवर्नमेंट ने टफ स्टैंड लिया है कि हर हालत में टेररिस्ट को खत्म किया जाएगा। 10 मोस्ट वांटेड टेररिस्ट की लिस्ट जारी की है, जिसमें 5 हिजबुल के हैं, 2 एलईटी के हैं, 2 जैश मोहम्मद के और 1 अल बदर का है। साथ ही साथ फैसला किया कि आर्टिकल 370 और 335 हटाया जाएगा। अमरनाथ यात्रा शुरू होने वाली है, फिर असेंबली इलेक्शन अक्टूबर नवंबर में। आंकड़ों से साफ है कि आतंकी किसी के सगे नहीं, इसलिए वो मौका मिलते ही कश्मीरियों का भी खून बहाने से नहीं चूकते, और नगीना बानो की हत्या आतंक की उसी सोच का एक सबूत है। सिर्फ पत्थरबाजी और हत्या ही नहीं, आप कल से एक और खबर जम्मू कश्मीर को लेकर सुन रहे होंगे कि केंद्र सरकार जम्मू कश्मीर में परिसीमन करने जा रही है। अभी तक सरकार ने इस पर कुछ भी नहीं कहा है, लेकिन राजनीतिक तौर पर इसका विरोध शुरू हो गया है, राजनीतिक हंगामा शुरू हो गया है, और यह हंगामा शुरू किया है जम्मू कश्मीर की 2 प्रमुख पार्टियां नेशनल कॉन्फ्रेंस और पीडीपी। विरोध करना शुरू हुआ वो भी तब जब इस पर आधिकारिक बयान नहीं आया है।
ऐसे में हम आपको इस रिपोर्ट के जरिए बताना चाहते हैं कि परिसीमन से ऐसा क्या हो जाएगा जो ये राजनीतिक पार्टियां आधिकारिक ऐलान से पहले ही डर रही हैं। जम्मू कश्मीर में विधानसभाओं के परिसीमन की भारत सरकार की योजना सुनकर परेशान हूँ। जबरदस्ती का परिसीमन सांप्रदायिक लाइन पर इस राज्य का अगला भावुक विभाजन होगा। पुराने घावों को भरने के बजाय भारत सरकार कश्मीरियों का दर्द बढ़ा रही है। जब देश के दूसरे हिस्सों में परिसीमन हो तो बीजेपी उसे जम्मू कश्मीर में भी लागू कर सकती है, लेकिन तब तक नेशनल कॉन्फ्रेंस इसका विरोध करेगी। ये जम्मू कश्मीर के दो पूर्व मुख्यमंत्रियों की प्रतिक्रिया थी, और बात सिर्फ इतनी थी कि कल से मीडिया में ये खबर है कि भारत सरकार जम्मू कश्मीर के परिसीमन की तैयारी कर रही है। ये खबर किस आधार पर मीडिया में आई पता नहीं, क्योंकि बीजेपी ने ऐसी किसी भी बात से इनकार कर दिया है। परिसीमन एक स्वाभाविक एक प्रक्रिया है और हमारे लोकतंत्र को रिप्रेजेंटेटिव लोकतंत्र बनाने के लिए सभी विधानसभा और लोकसभा करीब करीब एक साइज के हो, ताकि उनकी उनके एडमिनिस्ट्रेशन में सुविधा हो। इसको लेकर कुछ दल क्यों इस प्रकार डर के माहौल पैदा करने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन सिर्फ इतने भर से ही जम्मू कश्मीर की ये पार्टियां घबरा गई हैं। ऐसा क्यों है ये हम आपको आगे बताएंगे, लेकिन उससे पहले आपको जम्मू कश्मीर के परिसीमन के बारे में कुछ इतिहास पता होना चाहिए। जम्मू कश्मीर में आखिरी बार 1995 में परिसीमन किया गया था। तब गवर्नर जगमोहन के आदेश पर जम्मू कश्मीर में 87 सीटों का गठन किया गया। जम्मू कश्मीर विधानसभा में कुल 111 सीटें हैं, लेकिन 24 सीटों को पीओके के लिए खाली छोड़ा गया है, इसीलिए बाकी बची हुई 87 सीटों पर ही चुनाव होता है। राज्य का संविधान ये कहता है कि यहां हर 10 साल के बाद निर्वाचन क्षेत्रों का परिसीमन किया जाएगा। इस हिसाब से जम्मू कश्मीर में सीटों का परिसीमन 2005 में किया जाना था, लेकिन फारूक अब्दुल्ला की सरकार ने 2002 में इस पर 2026 तक के लिए रोक लगा दी। लेकिन ऐसा क्यों है कि जम्मू कश्मीर की ये पार्टियां परिसीमन के नाम पर इतना घबरा रही हैं? अब आपको ये समझाते हैं। 2011 की जनगणना के मुताबिक जम्मू कश्मीर की आबादी 53,78,538 है, और ये पूरे प्रदेश की आबादी का 42.89% है। जम्मू कश्मीर का 25.93% क्षेत्रफल जम्मू संभाग के अंतर्गत आता है, और यहाँ विधानसभा की कुल 37 सीटें। दूसरी तरफ कश्मीर घाटी की आबादी 68,88,475 और ये सूबे की आबादी का 54.93% हिस्सा है, जबकि कश्मीर संभाग का क्षेत्रफल राज्य के क्षेत्रफल का सिर्फ 15.73% है, और यहाँ से कुल 46 विधायक चुने जाते हैं। इसके अलावा जम्मू कश्मीर का तीसरा हिस्सा है लद्दाख। 58.33% क्षेत्रफल वाले लद्दाख संभाग में 4 विधानसभा सीटें हैं। लेकिन जनसंख्या के आंकड़े करीब 8 साल पुराने हैं। इन बीते 8 वर्षों में जम्मू कश्मीर की डेमोग्राफी काफी बदल गई है। जम्मू और घाटी की आबादी में अब बहुत ज्यादा फर्क नहीं है, इसलिए जब जम्मू की आबादी बढ़ेगी तो परिसीमन में उसकी सीटें भी बढ़ेंगी, और इसका सीधा नुकसान इन दोनों पार्टियों को होगा, क्योंकि जम्मू में नेशनल कॉन्फ्रेंस और पीडीपी का वोट बैंक नहीं है। कॉन्स्टिट्यूशन गवर्नर को परमिट करती है, अभी भी गवर्नर रूल है, और उसका फायदा उठा के इसको दोबारा देखा जा रहा है, और अगली इलेक्शन से पहले हो सकता है कि जम्मू की सीट बढ़ा दी जाए, कश्मीर की उतनी रहे, जिससे आने वाले समय में एक हिंदू चीफ मिनिस्टर भी हो सकता है वहाँ का। परिसीमन होने से SC और ST समुदाय के लिए सीटों के आरक्षण की नई व्यवस्था भी लागू होगी, क्योंकि घाटी की किसी भी सीट पर आरक्षण नहीं है, लेकिन यहाँ 11% गुर्जर बकरवाल और गद्दी जनजाति समुदाय के लोगों की आबादी। जम्मू संभाग में 7 सीटें SC के लिए रिजर्व है, इनका भी रोटेशन नहीं हुआ है। ऐसे में नए सिरे से परिसीमन से सामाजिक समीकरणों पर भी प्रभाव पड़ने की संभावना है। दरअसल कश्मीर के लोगों को भड़काकर सियासत करने में नेशनल कॉन्फ्रेंस और पीडीपी का कोई तोड़ नहीं है। अव्वल दर्जे की सियासत करती हैं ये दोनों की दोनों पार्टियां जम्मू कश्मीर के लोगों की भावनाओं को भड़काकर, और ऐसा हम इसलिए कह सकते हैं क्योंकि परिसीमन को लेकर अभी सरकार की तरफ से कोई आधिकारिक बयान नहीं आया। उसके बावजूद आप देखिए, चाहे वो उमर अब्दुल्ला हो या फिर महबूबा मुफ्ती, लोगों की भावनाओं के साथ कैसे खिलवाड़ किया जा रहा है। महबूबा मुफ्ती तो राज्य को हिंदुस्तान से तोड़ने तक की बात कह रही है। वैसे इसमें नया क्या है, महबूबा मुफ्ती तो ये काम पहले भी कर चुकी है, चाहे वो 35A हो या फिर आर्टिकल 370,
और इसीलिए आज मास्टर स्ट्रोक के जरिए महबूबा मुफ्ती और उमर अब्दुल्ला को ये सलाह भी है, मास्टर स्ट्रोक भी है, आज ईद के मौके पर ईदी समझ के हिंदुस्तान की तरफ से रख लेना चाहिए। नहीं चलेगा सियासी ब्लैकमेल, बंद करो ये बंटवारे का खेल। अब बात जरा ममता बनर्जी की कर लेते हैं। ममता बनर्जी ने ईद के मौके पर बीजेपी को सीधा सीधा चैलेंज कर दिया है, जो हमसे टकराएगा चूर चूर हो जाएगा। अब आप सोच रहे होंगे कि भाई लोकसभा चुनाव खत्म हो गए, नतीजे आ चुके हैं, उसके बावजूद बीजेपी और तृणमूल कांग्रेस में ये खटास, ये दूरी कम क्यों नहीं हो रही है? इसकी वजह है विधानसभा के चुनाव। आप कहेंगे वो तो बहुत दूर है। हाँ भाई, 2021 में है, लेकिन भूमिका तो अभी से बंधी जाएगी ना। त्याग का नाम है हिंदू, ईमान का नाम है मुसलमान, प्यार का नाम है ईसाई और सिखों का नाम है बलिदान। ये है हमारा प्यारा हिंदुस्तान, इसको रक्षा हम लोग करेंगे, हम लोग इसको छोड़ेंगे नहीं, और जो हमसे टकराएगा वो चूर चूर हो जाएगा। मौका ईद का था, इसलिए ममता बनर्जी ने ईद की मुबारकबाद देने के बहाने अपना राजनीतिक एजेंडा भी सेट कर दिया। इंशाल्लाह हम आप लोगों के लिए खुशी का ईद ले आए। पहले ये कहा कि जो हमसे टकराएगा चूर चूर हो जाएगा, और फिर शेरो शायरी के सहारे ये भी बता दिया कि वो आगे क्या करने वाली है। इतना डरने का बात नहीं है, मुद्दा लाख बुरा चाहे तो क्या होता है, मुद्दा लाख बुरा चाहे तो क्या होता है, वही होता है जो मंजूर खुदा होता है। कभी 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 एक दफे बहुत जोर से तेज आता है सूरज का, लेकिन बाद में चला भी जाता है। डरो मत, जैसा जल्दी कैप्चर किया है ईवीएम को उतना जल्दी चला जाएगा। ममता बनर्जी पश्चिम बंगाल में बीजेपी की 18 सीटों को पचा नहीं पा रही, इसीलिए वो बीजेपी पर ये आरोप लगा रही हैं कि ईवीएम में गड़बड़ी की वजह से बीजेपी जीती। लेकिन वो ये भूल गई कि 2014 में ईवीएम के जरिए ही वोटिंग हुई थी, जब उन्हें 34 सीटें मिली थी। ममता बनर्जी के इन बयानों पर केंद्रीय मंत्री बाबुल सुप्रियो ने ट्वीट किया, लिखा, अभी ममता बनर्जी की पागल करने वाली स्पीच सुनी, वो बीजेपी को चिल्लाकर धमकी दे रही थी। मैं इतना कह सकता हूँ कि उनकी एक्सपायरी डेट अब पास में है, और इंशाल्लाह बंगाल के लोग उनकी टीएमसी को जल्द से जल्द बंगाल की खाड़ी से दूर फेंक देंगे। बीजेपी और ममता बनर्जी के बीच पश्चिम बंगाल में चुनावों के दौरान से ही जुबानी जंग चल रही है। बीजेपी की जीत के बाद ममता बनर्जी को न्योता मिला तो वो प्रधानमंत्री के शपथ ग्रहण में भी शामिल नहीं हुई। इसके बाद जय श्री राम पर भी पश्चिम बंगाल में राजनीतिक जंग छिड़ी हुई है। अब बीजेपी के कार्यकर्ता ममता बनर्जी को जय श्री राम के नारे लिखे हुए पोस्टकार्ड भेज रहे हैं। इन सब के बीच ममता बनर्जी के भतीजे और सांसद अभिषेक बनर्जी ने माँ काली की टीआरपी राम से हाई बताकर नया विवाद खड़ा कर दिया है। এখানে মিছিল শুরু করার সময় কয়েকটা সাংবাদিক জিজ্ঞেস করছে, বলছে দাদা দিলীপ ঘোষরা বলেছে জয় শ্রীরামের সাথে এবার জয় মা কালী বলবে। আমি বললাম ঠেলায় না পড়লে বিড়াল গাছে ওঠে না। মমতা ব্যানার্জি ছিল বলে এখন হঠাৎ করে রামের টিআরপি কমে গিয়ে মা কালীর টিআরপি বাড়ছে, আর তাদের স্লোগান জয় শ্রীরাম, আমাদের স্লোগান জয় হিন্দ, আমাদের স্লোগান জয় বাংলা, জয় পশ্চিম বাংলা, বন্দে মাতরম। বিজেপি আর মমতা ব্যানার্জি কি ইয়ে রাজনৈতিক লড়াই इसलिए नहीं रुक रही क्योंकि बीजेपी की नजरें अब 2021 में होने वाले विधानसभा चुनावों पर टिकी हैं। बीजेपी के नेताओं ने तो अभी से ही जीत के दावे शुरू कर दिए हैं। बीजेपी की ताकत ममता बनर्जी लोकसभा चुनावों में देख चुकी हैं, इसलिए वो बीजेपी का अब डटकर मुकाबला कर रही हैं। बहुत अच्छी बात है कि ममता बनर्जी ईद के मौके पर भाईचारे का पैगाम दे रही है, अच्छा लगा ये जानकर ये देखकर। लेकिन सच्चाई ये है कि ममता बनर्जी कभी भी तुष्टीकरण का कोई मौका नहीं छोड़ती है, चाहे वो दुर्गा विसर्जन को रोकना हो या फिर जय श्री राम के नारे पर चिढ़ जाना हो। और 2019 के नतीजे ये बताते हैं कि तुष्टीकरण की राजनीति से पश्चिम बंगाल की जनता आजिज आ चुकी है, और इसीलिए दीदी मास्टर स्ट्रोक आप पर है। जनता तभी समझेगी आपको नेक जब कथनी और करनी
आपकी होगी एक। पर्यावरण दिवस है आज, आप सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं पर्यावरण दिवस की। अक्सर आपने देखा होगा कि ऐसी खबरें पर्यावरण को बचाने को लेकर या फिर एनवायरनमेंट को लेकर सजग होने की जो खबरें हैं वो टीवी और प्रिंट मीडिया पर फीचर स्टोरी कहकर साइडलाइन कर दी जाती है। लेकिन आप जानते हैं हर साल जब 70 लाख लोग पोल्यूशन की वजह से मारे जा रहे हैं तो ये फीचर स्टोरी नहीं रह जाती है, ये बहुत ही गंभीर और बहुत ही महत्वपूर्ण मुद्दा हो जाता है। और इसीलिए आज मास्टर स्ट्रोक में हमने ये सोचा कि पर्यावरण के कुछ ऐसी खबरें आप तक पहुंचाई जानी चाहिए, खासकर आज के दिन। आप देखिए, समझिए और सजग हो जाइए क्यों पर्यावरण दिवस खासकर वायु प्रदूषण को लेकर हमें अलर्ट होने की जरूरत है। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी ने कहा था, धरती हर व्यक्ति की जरूरतों को तो पूरा करती है लेकिन हर व्यक्ति के लालच को नहीं। इंसान के इसी लालच ने आज इस धरती को बीमार बना दिया, बहुत बीमार। धरती के इस बुखार का इलाज अगर हमने नहीं किया तो फिर न ये धरती बचेगी और न ही हम। तरक्की की जिस दौड़ का खामियाजा आज दुनिया भुगत रही है उसकी शुरुआत करीब 150 साल पहले औद्योगिक क्रांति के दौरान हुई थी। तब आज के विकसित देशों ने धड़ल्ले से कोयले और ऊर्जा के दूसरे कुदरती लेकिन प्रदूषण फैलाने वाले संसाधनों का इस्तेमाल किया और धरती को ग्रीन हाउस गैसों से ढक लिया। लेकिन 150 सालों के बाद अब धरती का बढ़ता तापमान खतरे की घंटी बन चुका है। एक रिपोर्ट के मुताबिक अगर ग्लोबल वार्मिंग के लिए दुनिया के देश कोई कदम नहीं उठाते तो साल 2100 तक धरती का तापमान 4.5 डिग्री तक बढ़ जाएगा। अगर दुनिया के देश मौजूदा नीतियों पर कायम रहते हैं तो साल 2100 तक धरती का तापमान 3.6 डिग्री सेल्सियस तक बढ़ेगा। यानी धरती लगातार गर्म हो रही है और हमारा सिस्टम खामोश बैठा है। विश्व पर्यावरण दिवस पर कुछ पेड़ लगाने की औपचारिकताएं निभाकर सिस्टम फिर साल भर के लिए सो जाता है। पिछले कुछ हफ्तों से जिस तरह की गर्मी देश में पड़ रही है और उसका असर हमारे पानी के ऊपर, हमारे जंगल के ऊपर, हमारे ओवरऑल एनवायरनमेंट के ऊपर पड़ रहा है, उन समों का बहुत बड़ा कारण जो है वो असल में क्लाइमेट चेंज है, ग्लोबल वार्मिंग है, और उसके उसके उसकी तरफ जो है एक कोई ठोस कदम सरकार जो है अभी तक नहीं उठा पा रही है। लेकिन ये काफी नहीं है क्योंकि सिस्टम को सिर्फ ग्लोबल वार्मिंग से ही नहीं निपटना बल्कि अपने लोगों को साफ हवा का अधिकार भी देना है। पूरी दुनिया में वायु प्रदूषण के बढ़ते खतरे की वजह से इस बार इसे विश्व पर्यावरण दिवस की थीम बनाया गया है। पूरी दुनिया में बड़े बड़े शहरों से लेकर छोटे छोटे गांवों तक लोग प्रदूषित हवा में सांस ले रहे हैं। कुछ खतरनाक आंकड़ों पर गौर कीजिए। विश्व स्वास्थ्य संगठन के एक अनुमान के मुताबिक 10 में से 9 लोग खराब हवा में सांस लेते हैं। ये प्रदूषित हवा हर साल पूरी दुनिया में 70 लाख लोगों की जान ले लेती है और इसमें 5 साल की उम्र के नीचे के 6 लाख बच्चे भी शामिल हैं। वायु प्रदूषण से 19 लाख लोगों की मौत तो सिर्फ भारत में ही होती है। वर्ल्ड बैंक के अनुसार वायु प्रदूषण की वजह से पूरी दुनिया को हर साल 346 लाख करोड़ रुपए का नुकसान होता है। सिर्फ घर के अंदर कोयले या लकड़ी से बनने वाले खाने की वजह से ही दुनिया में हर साल 38 लाख लोगों की मौत हो जाती है। गाड़ियों से निकलने वाला धुआं भी पूरी दुनिया में 4 लाख लोगों की जान ले लेता है। वायु प्रदूषण का एक और कारण खुले में कचरा जलाना भी है। पूरी दुनिया में 40% कचरा खुले में जलाया जाता है। हमारे कार्बन एमिशंस और दूसरे देशों की कार्बन एमिशंस की वजह से विश्व ओवरऑल गर्म होता जा रहा है, तो जो टेम्परेचर है वो ऑलरेडी अराउंड 1 डिग्री बढ़ चुका है और बहुत लोग को बहुत फिक्र है कि ऐसे अगर चलता रहेगा तो गर्मी इतनी बढ़ जाएगी कि हमारा जो लोग हैं वो सर्वाइव नहीं कर पाएंगे। यानी वायु प्रदूषण पूरी दुनिया के लिए जानलेवा साबित हो रहा है, लेकिन बहुत से ऐसे देश भी हैं
जो इस वायु प्रदूषण से निपटने में पूरी दुनिया के लिए आदर्श है। आपको जानकर हैरानी होगी कि कोस्टा रिका ने स्वस्थ पर्यावरण के अधिकार को अपने संविधान में जगह दी है। कोस्टा रिका ने देश की एक चौथाई जमीन पर नेशनल पार्क्स बनाए हुए हैं और उसकी 99% बिजली अक्षय ऊर्जा से आती है। दूसरा उदाहरण नॉर्वे का है, जिसने अपने संविधान में संशोधन करके अपने नागरिकों को स्वस्थ पर्यावरण का अधिकार दिया है। नॉर्वे की तो पूरी यानी 100% बिजली अक्षय ऊर्जा से ही पैदा होती है। हालांकि भारत ने भी अपने लिए लक्ष्य तय किए हुए हैं। भारत ने 2030 तक कुल ऊर्जा की जरूरत का 40% हिस्सा गैर कोयला स्रोतों से हासिल करने का लक्ष्य तय किया है, लेकिन दुनिया के दूसरे देशों के मुकाबले अभी भारत में बहुत कुछ किए जाने की जरूरत है। एक रिपोर्ट के मुताबिक अगर भारत पर्यावरण को लेकर अपने टारगेट को पूरा कर लेता है, अचीव कर लेता है, तो आपको पता है मेरी आपकी हर भारतीय की औसतन 2 साल उम्र बढ़ जाएगी। अगर आपने नदियों को साफ रखा, चाहे वो शिप्रा हो, गंगा हो या फिर दूसरी नदियाँ, वायु प्रदूषण को अगर आपने ख़त्म किया, वैकल्पिक ऊर्जा का ज़्यादा इस्तेमाल किया, तो आपकी और हमारी उम्र औसतन 2 साल बढ़ जाएगी। तो मास्टर स्ट्रोक आपके लिए है, इंसानों के लिए है, और वो यही है कि जब रखोगे कुदरत का ख्याल, तभी सुधरेगा हर किसी का हाल। आज देश भर में ईद मनाई जा रही है, हर कोई एक दूसरे को मुबारकबाद दे रहा है, देश भर में खुशियां मनाई जा रही है, लेकिन इन खुशियों के बीच देश उन 13 जवानों को भी याद कर रहा है, उस खबर से बेखबर है कि आखिर पिछले 72 घंटे से भी ज़्यादा बीतने के बाद उनकी कोई खैर खबर क्यों नहीं आई है, वो लापता है। ये सभी भारतीय वायुसेना के विमान AN-32 पर सवार थे। तय किया कि तमाम खबरों के बीच हमने वो जो तलाशी की खबरें हैं वो आपको बताई जानी चाहिए। असम से अरुणाचल प्रदेश के लिए ये तमाम सैनिक उड़े थे, लेकिन इस बीच अचानक लापता हो गए। भारतीय वायुसेना के विमान AN-32 को आसमान निगल गया या जमीन खा गई, ये रहस्य लगातार तीसरे दिन भी बना हुआ, क्योंकि 72 घंटे से ज्यादा बीतने के बाद भी एंटोनोव AN-32 की अब तक कोई खोज खबर नहीं मिली। AN-32 सोमवार दोपहर 12:27 पर असम के जोरहाट से अरुणाचल प्रदेश के मैनचुका के लिए उड़ा, लेकिन 33 मिनट बाद ही विमान का संपर्क ग्राउंड स्टाफ से टूट गया। सोमवार दोपहर 1 बजे के बाद से अब तक विमान से संपर्क नहीं हुआ। विमान में कुल 8 क्रू मेंबर और 5 यात्री सवार थे। विमान में सवार 13 लोगों में से एक थे पलवल के रहने वाले पायलट आशीष तंवर, जो परिवार संग छुट्टियां बिताकर 18 मई को नौकरी पर लौटे थे। अब उनके लापता होने की खबर के बाद से पूरा परिवार सदमे में है। आशीष की पत्नी संध्या वायुसेना में ही रडार ऑपरेटर है। 18 तारीख को यहाँ से गए थे, यहाँ से फिर वो बैंकॉक घूमने गए थे दोनों में अभी भी, उसके बाद वहीं से वो डायरेक्ट अपने जोरहाट ड्यूटी पे चले गए। जो हाल आशीष के परिवार का है, वही हाल सोनीपत में एयरमैन पंकज सांगवान के घर का भी है। पूरे परिवार का रो रो कर बुरा हाल है। बूढ़ी माँ की आंखें इकलौते बेटे की राह देख रही है। हर बीतते पल के साथ कलेजा बैठता जा रहा है। मैंने मांग गया मेरा बेटा दे दो सरकार वापस, मैंने कुछ नहीं चाहिए सरकार का, मेरा बेटा वापस टोक दे दो। मैंने सिर्फ माँ ही नहीं बल्कि पूरा परिवार आंखों में आंसू लिए पंकज की सलामती की दुआ मांग रहा है। 2 जून को मम्मी और बेटे की बात हुई थी और सुबह 10 बजे उसी दिन 2 तारीख को ही उसके कजिन के साथ उसकी बात हुई थी। मेरे साथ उसकी कोई बात नहीं होता, अकेला इकलौता बेटा था। 2 तारीख को मेरी बात हुई थी सुबह मॉर्निंग में, तो बात होते होते उन्होंने कहा कि रुको मैं वीडियो कॉल करता हूँ, तो कम से कम 10 बार ट्राई किया लेकिन वीडियो कॉल नहीं हो पाई। AN-32 एयरक्राफ्ट का संपर्क जहां टूटा वहां आसपास के इलाके में गहरी झील, इसीलिए नौसेना ने सिंथेटिक रडार सिस्टम से लैस PAT विमान को रेस्क्यू ऑपरेशन में लगाया है, जो पानी की गहराई में भी एयरक्राफ्ट को ढूंढ सकता है।
BATI का इस्तेमाल समुद्र में दुश्मन की सबमरीन को ढूंढने के लिए किया जाता है। BATI के अलावा भारतीय वायुसेना ने C-130J सुपर हरकुलिस और दो MI-17 हेलीकॉप्टर भी रेस्क्यू ऑपरेशन में लगाए हैं। आर्मी ने भी एडवांस लाइट हेलीकॉप्टर यानी ALH को रेस्क्यू ऑपरेशन के लिए लगाया है। साथ ही ग्राउंड ट्रूप्स भी विमान के लापता होने वाली जगह के पास कॉम्बिंग कर रहे हैं, लेकिन खराब मौसम की वजह से रेस्क्यू ऑपरेशन बार बार रोकना पड़ रहा है और ये देरी रेस्क्यू टीम की चिंता बढ़ा रही है। AN-32 ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट ईंधन भरने के बाद महज 4 घंटों की ही दूरी तय कर सकता है, इसलिए हर बीतते दिन के साथ अनहोनी की आशंका पहले से ज्यादा बढ़ती जा रही है। जगह थोड़ा सा डिफिकल्ट टेरेन है, बहुत जंगल है, मॉनसून का टाइम है, वेदर भी कभी कभी मार्जिनल हो जाता है। सो जो एफर्ट है वो पूरा जारी है, लेकिन इट इज नॉट एन ईजी टास्क, थोड़ा सा टाइम लगता है। और जितने हमारे ये सब इनपुट्स है, फोटोग्राफिक इनपुट्स फ्रॉम द सैटेलाइट, ये सब को एनालाइज करके हम ये काम जारी रखेंगे। ये पहला मौका नहीं है जब AN-32 विमान किसी बड़े हादसे का शिकार हुआ। 1984 से भारतीय वायुसेना में सेवा दे रहा ये विमान कई बार दुर्घटना का शिकार हो चुका है। 2016 में चेन्नई से पोर्ट ब्लेयर जा रहा AN-32 विमान लापता हो गया था। उस समय विमान में भारतीय वायुसेना के 6 क्रू मेंबर समेत कुल 29 सदस्य मौजूद थे। 2009 में ही अरुणाचल प्रदेश के वेस्ट सियांग जिले में AN-32 क्रैश हुआ, जिसमें मौजूद सभी 13 सदस्यों की मौत हो गई। AN-32 एयरक्राफ्ट के लगातार बढ़ते हादसों पर अब राजनीतिक दल भी सवाल उठाने लगे हैं। कांग्रेस प्रवक्ता रणदीप सुरजेवाला ने ट्वीट कर सरकार और वायुसेना से 3 सवाल पूछे हैं। पहला सवाल है, जब हमारे पास पहले से उस रूट पर उड़ान भरने के लिए आधुनिक विमान मौजूद हैं, तो फिर AN-32 क्यों भेजा गया? दूसरा सवाल है, सरकार ने AN-32 विमानों के बेड़े को बदलने के लिए डिफेंस बजट में पैसा क्यों नहीं दिया? और तीसरा सवाल है, पहले भी ऐसे हादसे हो चुके हैं, फिर समय रहते रक्षा मंत्रालय ने सुरक्षा से जुड़े जरूरी कदम क्यों नहीं उठाए? ये सवाल इसलिए भी अहम है क्योंकि वायुसेना के बेड़े में अभी भी लगभग 100 AN-32 विमान हैं, जो चीन की सीमा से लेकर जम्मू कश्मीर तक सुरक्षा बलों के लिए ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट का काम करते हैं। इसीलिए चीन की सीमा से सटे मिनचुक में हुए इस हादसे ने वायुसेना की चिंताएं बढ़ा दी। भारतीय वायुसेना के विमान AN-32 का इस तरीके से गायब होना देश को चिंता में ला चुका है और इस वक्त देश का एक एक बाशिंदा उन 13 वायु सैनिकों की सलामती की दुआ कर रहा है। लेकिन उसके बावजूद बड़ा सवाल आज उठाना ही पड़ेगा और वो ये है कि जिस विमान को लेकर, जिस विमान की सुरक्षा को लेकर लगातार इतने सवाल उठते रहे हैं, वो इतनी बड़ी संख्या में वायुसेना के बेड़े में शामिल कैसे है? और इसीलिए मास्टर स्ट्रोक वो सवाल ही है। लापरवाही के नाम कब तक बलिदान देंगे हमारे जवान?